भाई भाई पन्नी 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 पड़ी अधिकारी कार्यालय सफाई कर।
निकल जाओ शहर में पहली बारिश हुई है जिसमें जगह जगह पर नालों में बंधे लगे हैं और बंधे जो भी लगे हैं वो पॉलीथीन लगे हैं। इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में पॉलीथीन के बंधे जिसमें आम बंधों में पॉलीथीन के अंदर आम और पॉलीथीन के अंदर और भी अन्य सामग्री
ये पॉलीथीन फंस जाते हैं, इसके कारण जगह जगह पर जो बंदे लगे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। मैं निरंतर सुबह से 8 बजे से लेकर के अभी तक शहर में घूम रहा हूँ और जहाँ जहाँ बंदे लगे हैं पूरी टीम के साथ उन बंदों को हटाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने नगर के सभ्यस्त नगरवासियों से अपील करता हूँ कि पॉलीथीन का प्रयोग वो लोग न करें, ताकि आने समय में जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो जगह जगह पर पॉलीथीन के बंदे लगे हुए हैं। इसलिए मैं नगरवासियों से अपील करता हूँ बंदों का प्रयोग न करें, और बहुत जल्दी 2 घंटे के अंदर पूरे शहर का पानी निकल जाएगा। इतनी भीषण बरसात हुई है, बरसात होती है 3000 लीटर एक बार में बरसात हो रही है, शहर में निकल रहा है 200 लीटर पानी। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी पानी शहर का निकल जाएगा, क्योंकि नालों की जो एक सीमित मात्रा में पानी निकल रहा है, बरसात हो रही है बहुत भारी मात्रा में पूरे शहर में। इसलिए मैं अपने नगरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ी उनको तकलीफ होगी उसके लिए मैं उनसे क्षमा भी याचना भी कर रहा हूँ कि पानी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन पॉलीथीन का प्रयोग न करें। और पॉलीथीन के प्रयोग में प्रायः देखने में मिल रहा है कि जगह जगह पर पॉलीथीन के बंदे लगे हुए हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 30 जून है और भारी बारिश जो है हरदोई ज़िले में हुई है, खास करके नगरी क्षेत्र में हुई है। सभी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका के जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो उनके जो हमारे नगरीय निकाय हैं वहाँ के अधिशासी अधिकारियों, जो चेयरमैन साहब लोग हैं, उनको सभी लोग फील्ड में निकल गए हैं। पहले बारिश में जो जो कमियाँ रहती हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज जल भरा हुआ है वो नालियों में अच्छी प्रकार से सफाई न होने के कारण और उसमें पॉलीथीन इकट्ठा होने के कारण हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने स्वयं खड़े होकर के और अभी जहाँ जहाँ नाली चौक थी उसको खाली कराए हैं, और जो जल भराव की समस्या है वो आज चिन्हित कर लिया गया है, उनको आज भी ठीक कराया जा रहा है, और निरंतर इस पर हम काम करते रहेंगे। और हर जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती है, जिलाधिकारी महोदय ने हर वार्ड को जो है मजिस्ट्रेटों को जो है सुपरवाइज करने के लिए, उसकी देखने के लिए, पानी निकासी के लिए, अतिक्रमण के लिए और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए लगाया गया है। लेकिन पानी निकासी जो कि बहुत बड़ी समस्या है उसको बहुत ही शीघ्र ही उसका समाधान करा लिया जाएगा। कलेक्ट्रेट में भी पानी भरा हुआ है और आम जनमानस को आने जाने में समस्या हो रही है, उसकी पानी की निकासी कराई जा रही है।